खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ एक बहुत ही खूबसूरत मम्मी मौजूद हैं, तो हम दोनों मिलकर के आप सबको कहना चाहेंगे हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। माँ बनना सबसे खूबसूरत सपना होता है एक औरत के लिए। आपके लिए माँ बनना कैसा रहा? आई थिंक माँ बनना इज पार्ट ऑफ माई जर्नी। आई थिंक इट डजंट हैव टू बी पार्ट ऑफ एवरीबडीज जर्नी, इट्स पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड दिस इज द बेस्ट जर्नी कि मेरे लिए इट हैज बीन द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे फील करूँगी माँ बनने के बाद या माँ बनने के लिए फॉर इवन फॉर दैट मैटर। आई थिंक जब मैं माँ बनी भी नहीं थी एंड आई वॉज ओनली प्रेगनेंट, इन माई हेड आई वॉज ऑलरेडी अ मदर, यू नो, इवन वन माई चाइल्ड वॉज नॉट बॉर्न आई वॉज अ मदर। आई वॉन्टेड एंड आई वॉन्ट एवरी थिंग एंड मोर फॉर माई चाइल्ड एंड आई वॉन्ट फॉर एनी वन एल्स इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो दैट इज द फीलिंग ऑफ बींग अ मदर। बेबी मिर्जा मलिक, मतलब हम सब ने वो देखते ही सबके मन में एक आ गया कि हाँ यार, मतलब ये कुछ अलग ही है। तो ये जहन में कैसे आया? नहीं, आई थिंक इट वॉज माई हस्बैंड एंड आई, वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इक्वालिटी में। आई थिंक इक्वालिटी की बात सब करते हैं एंड वी टॉक सो मच अबाउट एम्पावरमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स टुडे, बट आई थिंक दैट यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। यू नो, जस्ट टॉकिंग इज नॉट इनफ एंड फॉर बोथ ऑफ अस इट वाज वेरी क्लियर कि आई डोंट हैव अ ब्रदर फॉर एग्जाम्पल, तो देर वॉज नो वे आई वॉज गोइंग टू लेट गो ऑफ माई सर नेम एंड माई हस्बैंड वॉज ऑब्वियसली एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ दैट एंड इन फैक्ट ही टोल्ड मी कि नो वी शुड हैव दिस, वाई नॉट, वाई शुड, या एंड आई थिंक दैट इज वाई इट वॉज सो वाई इट्स सो स्पेशल बिकॉज नो मैटर वॉट हैपन्स ही इज बोथ आवर सन्स इक्वली, यू नो, सो ही इज नॉट ओनली माइन ओनली शोएब सन। कहते हैं जब माँ का जन्म बच्चे के जन्म के साथ माँ का भी जन्म होता है, तो ये जब आप माँ बनी अपनी मम्मी के लिए आपका क्या एकदम से ख्याल आया? क्योंकि हमेशा माएँ कहती है ना, अभी नहीं समझोगी तब समझोगी जब माँ बनोगी। आई थिंक माओं की एक दे हैव सम बुक समवेयर जो वो एक दूसरे को बांटती हैं एंड एवरी मदर इन द होल वर्ल्ड सेज द सेम थिंग टू द टू एवरी पर्सन। लेकिन नहीं, आई डू अंडरस्टैंड दैट एंड आई थिंक आई डू अंडरस्टैंड दैट बेटर नाउ दैट आई एम अ मदर, बट यू नो द थिंग्स माई मदर हैज डन फॉर मी एंड आई ऑलवेज न्यू दैट, बट आई थिंक समटाइम्स यू डोंट से इट आउट लाउड। तो बट एज अ बेबी एज वेल नाउ आई नो वॉट शी हैज डन फॉर मी, वॉट आई एम डूइंग फॉर माई बेबी एंड ऑफकोर्स मुझे सब समझ आ गई जो वो इतने सालों से क्या कह रही थी। आप हमेशा ही रोल मॉडल रही हैं व्हाट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ। आपके जो वीडियोस आते थे, आप प्रेगनेंसी की हालत में भी आपने टेनिस खेला है, वॉक करती रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो माएँ वुड बी मदर्स जो देख रही हैं, कुछ एक चीज़ें आप अपनी किटी से उन्हें शेयर करें कि आप, यू नो, दैट्स नॉट एन इलनेस, दैट्स अ फेज एंड दैट्स ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इलनेस, आई थिंक दैट इट्स टोटली नॉर्मल दैट योर बॉडी चेंजेस, इट्स टोटली नॉर्मल दैट यू पुट ऑन वेट। आई पुट ऑन 23 किलोस एंड आई लॉस्ट 25, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग योर माइंड टू इट एंड डूइंग इट एंड इट इज नॉट अबाउट हाउ बिग और स्मॉल यू आर, इट इज नॉट अबाउट वॉट एंड वॉट यू फील और वॉट यू डोंट फील, एवरीथिंग दैट कम्स नेचुरली टू यू इज करेक्ट। आई थॉट एक्सरसाइजिंग, आई यूज टू डू योगा, आई यूज टू एक्सरसाइज, लाइक यू सेड मैं टेनिस खेलती थी एंड फॉर मी एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हैव एनी medical conditions and your doctor is not advising against it, you must go out and be active because I would have killed myself those 9 months if I was not active. So I had to find things to do and what an amazing journey it was for me to do all that while being pregnant. It was just a way to also show the world that you are pregnant, you're not sick.